बेसिकली बच्चे डाउट पे रहते हैं कि टेंथ का पैटर्न कैसे होगा, पेपर कैसे होगा, क्या होगा, तो मैं आपको वही समझाने के लिए बस ये बताना चाहता हूँ। टेंशन मत लो, सिंपल है कुछ नहीं, जो जो तरीके से मैं बताऊंगा उस तरीके से आप पेपर दीजिए। क्लास टेन में दो पैटर्न है, एक बेसिक है और एक स्टैंडर्ड है। बेसिक जो है वो सिंपल बेसिक जो भी आएगा, सिंपल सिंपल मैथमेटिक्स जिस पे आएगा, और जो हमारा स्टैंडर्ड है वो थोड़ा मॉडरेट पेपर आएगा, उसमें से थोड़ा सा बेसिक से थोड़ा हाई। और दोनों में सेम सेक्शन है, ए बी सी एंड डी। ए सेक्शन है जो 20 क्वेश्चन है, जिसमें हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, और बी सेक्शन में 6 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। सी सेक्शन में आपके 8 क्वेश्चन है, जिसमें हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, और डी सेक्शन में क्वेश्चन 6 है, जिसमें हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का। मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले आप सेक्शन बी, देन सी, देन डी, और सबसे लास्ट ए सेक्शन में अटेम्प्ट करना। मैं आपको इसलिए बोलता हूँ बी अटेम्प्ट करने के लिए, बी एंड सी क्योंकि वो सिंपल एनसीईआरटी से क्वेश्चन होते हैं, कोई बाहर से जाने की जरूरत नहीं है, तो आपके लिए इजीली हो जाएंगे। जब आपके क्वेश्चन सेक्शन हो गए तो आपको इतना मैथ्स आ चुका होगा कि आप सेक्शन डी इजीली अटेम्प्ट करोगे, एंड देन लास्ट में सेक्शन ए। अगर आप डी पहले प्रेफर करते हो तो डी लॉन्ग आंसर्स होते हैं, अगर इनकेस पहले ही आपका आंसर गलत हो जाएगा तो आपका मोटिवेशन टूट जाएगा, जिसके चक्कर में आपके पेपर में स्कोर कम होने के चांसेस हैं। और बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अगर बी सी डी ए से चलोगे तो आपका पेपर भी टाइम पे पूरा होगा, आपको रिवीजन का भी टाइम मिलेगा। आपका एग्जाम 12 मार्च को है, अब आज से आपके 2 महीने बचे हुए हैं। एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट हो चुकी होगी, आपने एक दो सैंपल पेपर कर लिए होंगे, अब आप एनसीईआरटी को बस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करिए, और जितने सैंपल पेपर आप और ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना अच्छा आपके लिए होगा, स्कोर करना भी इजी हो जाएगा, पेपर भी आपको इजी लगेगा, और आप स्कोर ज्यादा से ज्यादा भी कर पाएंगे। हंड्रेड मार्क्स स्कोर करना कोई टफ नहीं है, बहुत ईजी है। आप एक सैंपल पेपर लीजिए, उसको कोशिश करिए 3 घंटे में खत्म करने की, और कोशिश करिए आपके सारे क्वेश्चन हो जाएं और सारे के सारे सही हो। अगर एक आधे गलत भी होते कोई नहीं, दोबारा करिए सैंपल पेपर, दूसरा करिए, तीसरा करिए। जब आप लॉट्स ऑफ सैंपल पेपर प्रैक्टिस कर लेंगे टाइम ड्यूरेशन के अंदर 3 आवर्स के अंदर, तो आपका 100 स्कोर करना बहुत ईजी है। अब बात करेंगे एग्जाम के डूज एंड डोंट्स में। अब डूज में देखिए आप क्या करना है, प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन पेपर जितने ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्ट्रेस मत लो। बेसिकली सबसे पहले स्ट्रेस नहीं लेना किसी भी चीज का, और अपना सो जैसे आपके लाइफ स्टाइल है वैसे रहिए, बस सोशल मीडिया से दूर रहिए, थोड़ी चीजें अवॉइड करिए, बस आपके लिए 2 मंथ की बात है। आप अपना फोकस जो है केवल स्टडीज में रखिए, और किसी भी चीज में आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है बस, और बाकी किसी चीज की टेंशन। जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया आप उनको फॉलो करिए, और आपको अगर इससे कुछ बेटर आता है, अच्छा लगता है, तो आप उसको फॉलो करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन।